दें, यूपी के मेरठ में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ होती है और पुलिस को कामयाबी भी मिलती है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है और आप देख सकते हैं बाइक यहां पर बरामद की गई है, हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दो बदमाश गिरफ्तार किए हैं और जो दो गिरफ्तार किए गए हैं बदमाश, ये कई मामलों में वांछित भी थे। की अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी गई धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि किम ने केवल धमकी नहीं दी बल्कि चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं। बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कुछ घंटों बाद 20 मिसाइलों का भी परीक्षण किया। एजेंसी थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान की गुआम एयरबेस पर तैनाती की एक और वजह चीन भी है, जो समंदर में लगातार बाइडेन के सर का दर्द बना हुआ है। और गुआम एयरबेस की दूरी तो चीन से 5000 किलोमीटर से भी कम है, मतलब चीन ने मिसाइल दागी तो अमेरिका के गुआम एयरबेस का खेल खत्म। और इसी वजह से अमेरिका परेशान है, क्योंकि गुआम एयरबेस कोई मामूली जगह नहीं बल्कि अमेरिका के हथियारों का कारखाना है। और अपने हथियारों को बचाने के लिए अमेरिका ने वहाँ एटेंसी थंडरबोल्ट तैनात किए हैं, जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। ये लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर जंग लड़ने में माहिर है और बिल्कुल नजदीक से दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों को उड़ा सकते हैं। इससे पहले अमेरिका गुआम में अपने B-52 बॉम्बर भी तैनात कर चुका है, क्योंकि चीन और किम कब क्या करें कुछ पता नहीं।